गरीब घर की बेटी, चलो निकलो मेरे घर से, शिवानी की सास अपने बेटे पर चिल्ला रही थी क्योंकि वो आज गरीब घर की बेटी शिवानी से कोर्ट मैरिज जो करके आया था। बिना दहेज के वर्टिकल बार सास के बड़े अरमान थे कि बेटे को पढ़ाया लिखाया है तो उसकी कीमत भी वसूल की जाए, लेकिन उनकी ये इच्छा मन में ही रह गई। वर्टिकल बार शिवानी का पति आशीष अपनी माँ को समझा भी रहा था और माफी भी मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वर्टिकल बार आशीष अपनी पत्नी शिवानी को लेकर बाहर निकल गया। वर्टिकल बार आशीष के दो भाई और एक बहन भी थी। वर्टिकल बार सबकी उम्र में दो दो साल का फर्क था, सब ही शादी के लायक थे। वर्टिकल बार आशीष ने घर से जाने के बाद बहुत बार माँ को फोन किए, लेकिन न ढंग से बात की और न ही घर आने को कहा। वर्टिकल बार फिर भी आशीष ने कहा, माँ मेरे घर के दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं, वर्टिकल बार माँ के उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब आपका दिल चाहे आ सकती हो। वर्टिकल बार आशीष की माँ ने दहेज के लालच में दोनों बेटों की शादियाँ बहुत अमीर घरों में की और बहुएं इतनी नखरीली और आराम परस्त थीं कि आशीष की माँ का जीना हराम कर दिया। वर्टिकल बार आशीष की बहन की शादी की बात जहाँ भी चलती वहाँ भी दहेज की मांग होती। वर्टिकल बार आशीष की माँ के पास तो पैसे थे नहीं, बहू बेटे कुछ देने को तैयार नहीं थे। वर्टिकल बार बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही थी और घर में अपमान भी बहुत होता था। वर्टिकल बार एक दिन आशीष की माँ अपनी बेटी के साथ आशीष के घर पहुँच गई। वर्टिकल बार आशीष ऑफिस में था, शिवानी और बच्चे घर पर थे। वर्टिकल बार बच्चे तो दादी दादी और बुआ बुआ कहकर दोनों से लिपट गए। वर्टिकल बार आशीष की माँ हैरान थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कभी दादी बुआ को देखा तक नहीं, कैसे प्यार से मिल रहे हैं। वर्टिकल बार शिवानी ने भी पूरे आदर सत्कार के साथ बैठाया और पूरा मान सम्मान दिया और आशीष को भी फोन करके बुला लिया। वर्टिकल बार सास हैरान थी, घर में दोनों बहुएं बेटों से बात नहीं करने देती थी। वर्टिकल बार आशीष भी आ गया, न उसने और न शिवानी ने कोई शिकायत की। वर्टिकल बार बस इतना ही कहा, अब आप यहीं रहना, अंधा क्या चाहे। दो आंखें और आशीष की माँ बहू की अच्छाई को समझ चुकी थी। वर्टिकल बार बच्चे भी दादी और बुआ के साथ घुल मिल गए थे। वर्टिकल बार दो चार दिन बाद शिवानी ने अपनी किसी सहेली के भाई के साथ आशीष की बहन की शादी की बात चलाई और बात बन भी गई। वर्टिकल बार शादी पर माँ ने दोनों बेटों को बुलाने से मना कर दिया। वर्टिकल बार सारा खर्च आशीष ने किया। विदाई के बाद माँ अपनी बहू और बेटे से माफी मांगने लगी तो शिवानी बोली, माँ जी हम आपके बच्चे हैं, गलतियाँ तो हमसे भी हुई हैं, लेकिन माफी मांगते हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं, माता पिता नहीं। वर्टिकल बार सास बोली, मैं लालच में अंधी हो गई थी, हीरे को पहचान न सकी और इसी कारण बहुत दुख उठाए। वर्टिकल बार तो शिवानी ने सास को गले लगाया और बोली, माँ जी आपकी ये बहू अब आप पर कोई कष्ट नहीं होने देगी। वर्टिकल बार आपकी गरीब बहू सदा आपके साथ रहेगी। वर्टिकल बार तो सास बोली, तू तो दिल की इतनी अमीर है, तुझ जैसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। वर्टिकल बार दोस्तों, इंसान की पहचान धन से नहीं उसके मन से होती है, मन अच्छा हो तो थोड़े में भी बरकत होती है।